डीए साहब गए तो उनका डीएनए में खोते ना। एक चीज बताइए, 9 बार वो कोई सीएम बनेगा, पहली बार है 9 बार सीएम, वो कुर्सी के भूखर है, वो कुर्सी के भूखर है वो, ठीक है वो ना। वो अथी जो असली नायक अनिल कपूर है ना, वो असली नायक तेजस्वी यादव को देखे गए, रोजगार मॉडल है जो तेजस्वी यादव को मिल गया है, इसलिए रहे मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के 38 जिला में, है ना, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी चाचा पलट गए, ऐसे पलटे कोई संभावना भी नहीं किया जाए। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे? नहीं, बिना मुख्यमंत्री बने हुए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, बिना मुख्यमंत्री बने हुए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का कोई वजूद है? नीतीश कुमार तो कहता है मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। फिर नीतीश कुमार जी बीजेपी में साथ में चल जाते हैं, वो तो कहते थे मैं मरना कबूल करूंगा, आपके साथ जाना कबूल नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी का कोई जर जबान का कोई वैल्यू है जी? चाल चलित उनका चेहरा क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोरनेशन, में हूँ आपके साथ नरोत्तम। अभी हम मौजूद हैं राबड़ी देवी की आवास पर, हम तस्वीर आपको राबड़ी देवी की आवास के दिखा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राबड़ी देवी की आवाज़ पर बिल्कुल सुन सुनाटा है, लेकिन कुछ जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो इनके आवाज़ पर आए हैं। बिहार के राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, नीतीश कुमार इस्तीफा देकर एक बार फिर वो एनडीए गठबंधन में जा चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 5:00 PM शपथ लेकर सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल अब सरकार का हिस्सा नहीं रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस आवास में हैं, लेकिन आवास बिल्कुल शांत सा पड़ा है, लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कि जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद के शपथ ले गए, लेकिन अब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं होंगे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा होंगे। आज 5:00 PM शपथ लेने के बाद ये दोनों बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे और तेजस्वी यादव अब बिहार के डिप्टी सीएम नहीं रहे। आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों का भी अब मंत्री पद खत्म हो गया, वो सिर्फ विधायक हैं। आरजेडी के बिहार में 79 सीटें विधानसभा की है, लेकिन आरजेडी अभी सरकार बनाने के जदयू आंकड़ा को पार नहीं कर पा रही है, उनके सहयोगियों को मिलाकर भी अभी सरकार बनाने के आंकड़ों को नहीं छुपा रही है। उधर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप चुके हैं और 5:00 PM वो शपथ लेंगे। कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार सरकार से इस्तीफा देंगे तो वो भी सरकार बनाने के दावे पेश कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव के आवास पर इक्का दुक्का विधायक उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी आवास के हम आपको तस्वीर दिखाएं कि अभी सन्नाटा सा पसरा हुआ है, कुछ समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार। अब सरकार का हिस्सा नहीं रहे, अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए हैं जी, पता है। तो एनडीए साहब गए तो उनका डीएनए में खोते ना। एक चीज बताइए, 9 बार वो कोई सीएम बनेगा, पहली बार है 9 बार सीएम, वो कुर्सी के भूखर है, वो कुर्सी के भूखर है, वो ठीक है, वो कुर्सी के भूखर है। ऐसा नहीं है कि उनका जो उनके यहाँ इधर से बोला जा रहा है कि नौकरी का, ठीक है, तो नौकरी तो भैया तो तेजस्वी भैया दे रहे थे, ऐसा नहीं है कोई और दे रहा था। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी की आदत थी कि हम नौकरी के बदले जमीन ले, तो इसी के कारण हमने सरकार से अलग हो गया। एक चीज बताइए, कितने आदमी का जमीन लिए हैं? आधा ज्यादा तो 10 लाख का नौकरी का बोले हैं, 5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 5 लाख ना बचा हुआ था भैया, 5 लाख भी पूरा हो जाता इस साल में, तो वो लोग चाहे थी हटा ही देते हैं, इतना अच्छा रहेगा, ना नौकरी रहेगा ना विवाद रहेगा। के नेता नीतीश कुमार को काम नहीं करने दे रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार बोले कि हम काम करने वाले हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भैया काम कैसे नहीं कर लेते? वो एक चीज बताइए, काम नहीं करने का एक नियम बता दीजिए हमको, आप जुड़ा दीजिए कि काम नहीं कर ले मान जाएंगे आपसे, कोई मीडिया ही वाला हमको बता दे कि काम नहीं कर ले। नहीं, नीतीश कुमार ही आरोप लगा रहे हैं। अरे नीतीश लगा रहे, नीतीश लगा रहे दीजिए ना, वो तो ये भी बोल रहे थे जमीन में मिल जाएंगे नीतीश, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो क्यों जमीन में मिल गए इसके मतलब तब भी बीजेपी में गए हैं? और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश यादव है। कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा से, नीतीश कुमार के जिले के हैं। नीतीश कुमार तो अब आप लोग के साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ चले गए हैं।
नीतीश कुमार गए लेकिन अपना वो अथी जो असली नायक अनिल कपूर है ना, वो असली नायक तेजस्वी यादव को दे के गए। रोजगार मॉडल है जो तेजस्वी यादव को मिल गया है, इसलिए अपना मुद्दा जैसे मोदी जी राम मंदिर का मुद्दा लेके चल रहे हैं ना, उस इसी अनुसार तेजस्वी यादव अपना मुद्दा रोजगार का लेके जनता के सामने जाएगा। तो आप लोग रोजगार के बदले जमीन ले रहे थे, नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं। कितना जमीन, एक आगे सबूत दवा दे कि कहाँ जमीन किसको से लिया गया, वो सबूत देगा ना भाई? तो वही ना, ऐसे बोल दे हवा में कोई भी कुछ बोल देगा, इसका कोई मतलब है? अब तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं रहे, अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। नहीं रहे, अच्छी बात है भाई, बिहार के जनता में डिप्टी सीएम नहीं, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के 38 जिला में, है ना? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी जी चाचा पलट गए? ऐसे पलटे कोई संभावना भी नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार के साथ छोड़कर अलग चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर होगा उनके? हम नहीं दे रहे हैं 45 दिन में। नीतीश जी असहज महसूस करेंगे और उसके बाद में फिर आ जाएंगे इसी में 45 दिन में। क्या नाम हुआ? समय पहले इधर 45 दिन में ही वो अपना कार्यक्रम बदल लेंगे। नीतीश कुमार जो समझ रहे थे कि हम जो कहेंगे वही होगा, जेपी नड्डा तेजस्वी जी के यहाँ कोई नहीं आया, दिल्ली से कोई नहीं ना आया, जीतन राम मांझी के यहाँ आया, सब लोग के यहाँ आया। भाई कहाँ, यहाँ तो साधारण है। लालू यादव ऐसा मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, कि लालू यादव के यहाँ तो एकदम जनता भरमार है। और 2024 में है ना, 2024 में जीतन राम मांझी भी पलटू नाम के भरोसे नहीं रहेंगे। ये जब भी पलट जाते हैं तो इनका जनता से पूछ के पलटे थे, बिहार के 38 जिला में जनता से पूछ के पलटे हैं कि हम आज पलट रहे हैं। आरजेडी में आने का क्या इनको तुक था? इनसे जनता पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं, बिहार के 38 जिला के जनता पूछ रहा है कि आप क्यों बीजेपी में थे तो आरजेडी में आने का मकसद क्या था, आप क्यों पलटे तो क्यों नहीं अपना 2024 तक का अपना कार्यकाल पूरा किए? ऐसा क्या आया, किस तरह का तो आया? इस तरह का मामला वो सामने है, अशोक चौधरी विनर है, संजय झा विनर है, वो आदमी नीतीश कुमार को इधर कुछ खिला पिला के कुछ किरा के। भाई तेजस्वी यादव इसमें तो माहिर नहीं है, तेजस्वी यादव तो जनता पर भरोसा करता है, जनता एक है। बिहार के 38 जिला में आज जो भयमार है, आज इतना नहीं कल सैलाब हो जाएगा, महासैलाब, और भीड़ जुटेगा यहाँ, और महासैलाब। आज तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिना मुख्यमंत्री बने हुए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, बिना मुख्यमंत्री बने हुए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है इस बार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। नीतीश कुमार तो आप लोग के साथ छोड़ दिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जमीर जो है ना वो खिसक गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के 14 करोड़ युवाओं, युवती, महिला, बुजुर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित के साथ गद्दारी किए हैं। उन्होंने उनका अधिकार, जब तेजस्वी जी ने उनका अधिकार दिलाने के लिए सत्ता में आए, तेजस्वी जी के कामों से माननीय मुख्यमंत्री जी घबरा गए। जब माननीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था पूरा करने के लिए जो शुरुआत किए थे, 5 लाख नौकरी आदरणीय तेजस्वी जी ने देकर दिखा दिया बिहार के नौजवानों को, देखो हम आए हैं तो आपके लिए खड़े हैं। जब तक तेजस्वी जी बिहार के राजनीति में है तब तक बिहार के युवाओं को भरोसा है, और बिहार के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना बढ़िया काम किया है उतना आज तक कोई स्वास्थ्य मंत्री ने काम नहीं किया है।
अब पूछिए जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब उन शोषित दलित पीड़ित वंचित को जो नौकरी देने के जो तेजस्वी जी ने अभियान चलाया था, क्या उनको आगे पूरा करेंगे? मुख्यमंत्री जी अब बीजेपी के साथ चल गए हैं, बीजेपी का इतिहास रहा है, जब जब सत्ता में आया है नौकरी सबसे पहले युवाओं के नौकरी को गर्दन को कुचला है, यह बात आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे इसीलिए हम साइड हो गए। वो मुखिया थे, मुखिया थे तो जांच कराते, जांच कराइए। आप कप्तान हैं जी, अगर हार कप्तान के सिर जाता है तो जीत भी कप्तान के सिर, जीत का श्रेय आप लीजिएगा, हार का श्रेय किसको दीजिए? आप मानते हैं कि नौकरी का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, नीतीश कुमार मुखिया हैं? बिल्कुल नहीं, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में हैं, क्यों नहीं नौकरी युवाओं को देकर दिखा दिए? तेजस्वी जी आए हैं नौकरी के वादा पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आए हैं, और तेजस्वी जी थे तो युवाओं को यह भरोसा था कि तेजस्वी गद्दी संभाला है, हम लोग को नौकरी देगा, वो दिए। और यदि साल भर और रहते तो 10 लाख नौकरी दे के दिखा देते। अभी स्वास्थ्य विभाग में बहाली आने वाला था और सब विभाग में बहुत सारी बहाली आने वाली थी, और उन बुजुर्गों के साथ धोखा किए हैं जिनका पेंशन 500 से 800 होने जा रहा था, उनके साथ भी धोखा किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय तेजस्वी जी ने स्वास्थ्य के रूपरेखा को बदल दिए, जाके देखिए दवा 600 दवाई को फ्री कर दिए, जो गरीब को पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए तेजस्वी ने उनको ताकत दे दिया, अब हर एक कोई हॉस्पिटल में फ्री में दवा मिलेगा, फ्री में इलाज होगा। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार यादव हमारा नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं तेजस्वी जी के गृह जिला गोपालगंज, हमारा राजपुर घर हुआ। तो आप तेजस्वी जी डिप्टी सीएम नहीं रहे, अब आप क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? अपने नेता के लिए आए हैं, मिलने आए हैं, देखने आए हैं, देखने आए हैं इनको। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब आप क्या तेजस्वी यादव से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या नीतीश कुमार से अलग हुए तो ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा तेजस्वी यादव का? हाँ ये है, और परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा हम लोग का। बात ये है कि देखिए, वो जो सेव था, पूरा सेव था, एक टोकरी में रखल था, वो सड़ल सेव थे नीतीश कुमार, वही सड़ल सेव है, उनको निकाल दिया गया। मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह हुआ। कहाँ से आए हैं? हम पटना के रहने वाले हैं। कहाँ से आए, कहाँ हैं? पटना के रहने वाले हैं। आप तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम नहीं रहे, हाँ। मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं बीजेपी के साथ, लेने दीजिए, क्या हुआ डिप्टी सीएम नहीं रहे? जनता के हम लोग सेवक हैं, पहले सरकार में रहकर काम करते थे, बिना सरकार में रहकर काम करेंगे? जनता की सेवा करने के लिए वचनबद्ध है, जनता की सेवा हम लोग करते रहेंगे। जो नौकरी शिक्षकों का बांटा जा रहा था, आप जमीन ले रहे थे नौकरी के बदले, अरे कौन आरोप लगा रहे हैं? नीतीश कुमार का कोई वजूद है? नीतीश कुमार तो कहता है मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, फिर नीतीश कुमार जी बीजेपी में साथ में चल जाते हैं। वो तो कहते थे मैं मरना कबूल करूंगा, आपके साथ जाना कबूल नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी का कोई जर जबान का कोई वैल्यू है जी? चाल चलित उनका चेहरा क्या है? तो आप उनको नेता मान रहे थे? नेताजी भी हम उनको मान रहे, हमने उनको भगाए हैं, ना उनको बुलाए थे ना उनको भगाए, नेताजी भी है, लेकिन जवान का आदमी को कीमत रखना चाहिए। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? सूरज प्रसाद यादव। कहाँ से आए हैं? बगल से आए हैं। बगल से आए हैं। डिप्टी सीएम अब तेजस्वी यादव नहीं रहे, नीतीश कुमार जाकर शपथ ले रहे हैं बीजेपी के साथ। इंस्पायर दवाई है, कहीं जा सकते हैं, कोई इलाज करने वाला नहीं है। कहाँ से कह रहे हैं? इंस्पायर दवाई का कोई इंस्पायर दवाई का कोई खोता है? पलटू राम के कहा, बीजेपी के लोग कहे, बीजेपी के लोग प्रदेश अध्यक्ष वो भी पलटू राम के हैं, आरजेडी पलटू राम तो पहले आपके नेता कहे थे तेजस्वी? नहीं नहीं नहीं, पलटू राम तो उनके लोग कहे थे, और वहीं वो जाके सटे तो इसका क्या मतलब है कि वो पलटू राम है किसी? तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल कि अब सरकार का हिस्सा नहीं रही है, और हम राबरी आवास के तस्वीर दिखाई कि वहाँ समर्थक मौजूद हैं, उन लोगों का क्या कुछ भी कहना है हम आपको वो भी सुनवाए हैं। और आज नीतीश कुमार एक बार फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में अपना समर्थन पत्र नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ जाकर सौंप चुके हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बिहार के सियासत के पल पल के खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहें निज़ पोर नेशन के साथ।